20 अगस्त 2020, ये वो तारीख है जिस दिन जीतन राम मांझी की पार्टी हमने महागठबंधन का साथ छोड़ा था। तारीख को याद मत रखिएगा क्योंकि ये किसी यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तारीख मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि हमने 21 तारीख के सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपको ये बताया था कि मांझी की पार्टी किस पार्टी में अपना विलय करती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और कल जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा है कि एनडीए बीजेपी जदयू और लोजपा के साथ चुनाव लड़ेगी, तो समय आ गया है कि जीतन राम मांझी के बारे में कुछ बातचीत कर लिया जाए। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबर बताते हैं। और आज की पहली खबर ये है कि जीतन राम मांझी की पार्टी किस पार्टी के साथ विलय करेगी, ये खुद जीतन राम मांझी को भी पता नहीं है। अगर आप चुनाव को एक ऊंट मान लें तो एनडीए जदयू लोजपा और बीजेपी के साथ इस करवट बैठ गई है और महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस वीआईपी रालोसपा और अन्य सभी छोटे मोटे घटक दलों के साथ इस करवट बैठ गई है और मांझी साहब बीच में बैठे हुए हैं। एनडीए लगातार अब बैठकों का सिलसिला जारी कर चुकी है, तो वहीं महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव के हाथों में दारोमदार सौंप कर अपनी अपनी योजनाएं बना रही है। इसके साथ ही तीसरा मोर्चा भी अंदर ही अंदर अपनी योजनाएं बना रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी बस इस अड़चन में है कि किस शाखा पर लटका जाए। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कार्य समिति की बैठक में यह साफ कर दिया है कि एनडीए बीजेपी एलजेपी और जदयू के साथ चुनाव लड़ेगी। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है, इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। तो इसी भाषण के साथ एनडीए में शामिल होने की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो खत्म हो गई है। जीतन राम मांझी ने फिलहाल तक ना किसी पार्टी से विलय किया है, ना ही किसी बड़े नेता से मुलाकात की है, ना ही कुछ बयान दे रहे हैं, पर चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। चुनाव आयोग ने तमाम तरह की गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। एनडीए भी अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड में अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए भेजने के प्रयास में लगी हुई है। उधर महागठबंधन भी सीट शेयरिंग को लेकर फैसला ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं। बात अगर जेपी नड्डा के इस कार्यक्रम की जाए तो जेपी नड्डा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस बीच जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार में जब जब एलजेपी, बीजेपी और जदयू साथ आई है, तब तब बिहार में एनडीए ने झंडा गाड़ा है। अब दूसरी खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरएलएसपी नाराज चल रही है। कारण ये है कि कथित तौर पर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसलिए कांग्रेस और आरएलएसपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें भी अच्छी खासी संख्या में सीटें चाहिए। उधर आरजेडी ने कारण ये बताया है कि बिहार में आरजेडी के 80 विधायक हैं, इसीलिए आरजेडी को इस बार 160 सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन कांग्रेस और आरएलएसपी के नेता इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सदा सिंह ने कहा है कि आरजेडी के दावे का फिलहाल कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस ने अपने प्रस्तावित सीटों का आंकड़ा पार्टी के आलाकमान को भेज दिया है और इस पर आलाकमान जो फैसला लेगी उसी पर कांग्रेस काम करेगी। इसके साथ ही आरएलएसपी के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि सीट शेयरिंग का मसला महागठबंधन की बैठक में हल होगा और इसीलिए उस बैठक से पहले किसी बयान का कोई भी मतलब नहीं है। अब तीसरी खबर, आज 12 बजे अमेजॉन प्राइम की बहुचर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर के दूसरे भाग का रिलीज डेट जारी हो सकता है। अमेजॉन प्राइम ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर इसकी सूचना साझा करते हुए लिखा है कि डेट अनाउंसमेंट का मुहूर्त आ गया है, कल दावत पर आ जाना। इसके साथ ही इस पोस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है ये अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही पोस्ट है जिसे अमेजॉन प्राइम इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। तो आज 12 बजे अमेजॉन प्राइम यूट्यूब पर प्रीमियर के माध्यम से मिर्जापुर 2 के अनाउंसमेंट की सूचना देगा। मिर्जापुर एक बहुचर्चित वेब सीरीज है जो आज से करीब 1.5 साल पहले प्रीमियर हुआ था, लेकिन अब तक उसका दूसरा भाग रिलीज नहीं हुआ है। इस वेब सीरीज को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज है, इतना कि अब तक गूगल पर कई बार मिर्जापुर 2 के रिलीज डेट के बारे में सर्च किया जा चुका है।
इसके साथ ही मिर्जापुर 2 के जो भी कास्ट हैं उनसे भी रिलीज डेट के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिला था। और आज मुमकिन है कि मिर्जापुर 2 के इस डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा।